हाँ अच्छा, मेन चीज देखो बेटा, इसमें जो बात करनी है ना वो ये चीज है कि आप इनडेफिनेट सेंटेंसेस के अंदर वो सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो और आप डेली रूटीन के अंदर बात कर रहे हो, ये सेंटेंसेस इनडेफिनेट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? जी ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस, व्हाट इज द यूज एंड द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? या कंटिन्यूअस सेंटेंसेस कहाँ यूज होते हैं? वो थोड़ा जोर से बोलिए तो बेटा। काम जो हो रहा हो। इस आप एक काम करो, पहले तो अपने साथ एक कॉपी लेके रखो और पेन भी लेके रखो, ठीक है? जैसी रेडी है हो जाए मुझे बताइए, ठीक है? ठीक है, ओके। तो बेटा कंटिन्यूअस इज बेसिकली अ प्रोसेस व्हिच शोज दैट समथिंग इज इन प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस बेसिकली प्रोसेस शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर हम जो भी बात करते हैं उसमें यही चीज शो होती है कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू है और रुका नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? जैसे कि अक्सर जो है वो टीचर्स जो है वो ये बात कहते हैं कि जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, या रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो मतलब बेसिकली उनका कंसर्न इस बात के ऊपर होता है कि कोई भी चीज रहा रही वाले लफ्ज आ जाए तो आप जो है अपने जुमले को बना लें कंटिन्यूअस के अंदर, जबकि असल में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है कि जरूरी नहीं ये अल्फाज आए तो आप जो है वो कंटिन्यूअस का जुमला बनाओ। ओके, आप इसके अलावा और दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या ये सेंटेंस इनडेफिनेट का है या आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, आप बताओ। आई एम सिटिंग। वेरी गुड, आई एम सिटिंग। तो आपने कौन से टेंस में बनाया? प्रेजेंट प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड। अब आप खुद सोचें, इसमें रहा है तो आ ही नहीं रहा, राइट? यस सर। लेकिन इसमें एक चीज लाजमी आ रही है और वो पता है क्या है? वो है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस। अब अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो वो एक कंटिन्यूअसली बैठा हुआ है ना, राइट? यस सर। तो ये आप पॉइंट अपने पास लिख लें, इसको नोट कर लें कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस इज बेसिकली कंटिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, जिसमें प्रोसेस को बताया जाए कि वो कंटिन्यू हुआ है और स्टॉप नहीं हुआ, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस में काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप मुझे काम करें, मुझे कोई 5 एग्जांपल्स जरा बता दें जल्दी से, टाइप करके बता दें या माइक पे बता दें, आपकी मर्जी, दोनों सर इंग्लिश में या उर्दू में? में। मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग हियर वेरी गुड, एंड आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ। वेरी गुड। I'm going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ। सही है, तो बस इतने ही आ रहे हैं। ओके। इन प्रेजेंट वी यूज इज एम आर इन पास्ट
वी यूज वॉज वर्ब एंड इन फ्यूचर व्हाट डू वी यूज विल बी ओके These are the helping verbs of continuous sentences. ठीक है ये helping verbs होते हैं continuous sentences के ठीक है अच्छा इसमें एक बात आप नोट रखिएगा कि we always use fourth form with them. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह So what do? We use fourth form of verb with all of these helping verbs. हम इन तमाम helping verbs के साथ continuous के अंदर fourth form का इस्तेमाल करते हैं ठीक है Yes sir. All right. अब मैं आपसे कुछ questions करूंगा continuous के और आप मुझे उनके answer दिएगा English. Okay? मेरे English मैं यानी कि आपसे English में questions करूंगा और आप मुझे English में उनके answer दें ठीक है Okay. Are you learning in 10th class? Yes, I'm learning. Right now, are you taking your English class? Yes, I'm taking. Complete answer. Yes, I'm taking my English class. Okay, very good. Are you interested in learning English? Yes, I'm interested in learning English. Are you watching TV right now? No, I'm not watching TV. Are you using mobile right now? No, I'm not using mobile. Okay. Are you going to school nowadays? No, I'm not going to school nowadays. Okay. Are you going to school after this month? Yes, of course, I'm going to school after this. Okay, very good. Okay, so basically, आपको basic understanding तो हो गई है इसकी, ठीक है? आपके answers से इस बात का clearly idea हो गया, ठीक है? All right. So now, should we move to the perfect? Perfect की तरफ बढ़ जाएं हम लोग? ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना बेटा आपको यस सर हम परफेक्ट सेंटेंसेस की तरफ बढ़ जाएं जी ओके गुड इसमें कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लें नहीं तो फिर हम बढ़ जाएं नो सर ओके ऑलराइट सो लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट ओके व्हाट डज इट मीन बाय परफेक्ट परफेक्ट के क्या मीनिंग होता है परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सेंटेंस की और कंफर्म हो किसी बात के बारे में राइट परफेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं आई हैव नो आइडिया डू यू रिमेम्बर कि जब आपने कोई टेस्ट बहुत जबरदस्त दिया हो तो आप अपने टीचर से कहते थे मैं इसके ऊपर परफेक्ट लिखते हैं या तरीके से एक्सीलेंट लिखते हैं समथिंग लाइक दिस डू यू रिमेम्बर दैट Yes. तो वहाँ आपका क्या मकसद होता था परफेक्ट से कि क्या क्यों दें आपको परफेक्ट क्योंकि मैंने अपना काम बिल्कुल सही किया है एंड उसमें कोई मिस्टेक नहीं है सही है लेट्स से कि आपके जो है वो 9 आउट ऑफ
10 आ जाता है, ठीक है, 9 मार्क्स आते हैं आपके. तो डू यू थिंक कि ये आपका परफेक्ट आना चाहिए इसके ऊपर? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे 9 मिले हैं, इसका मतलब कि मेरे उस काम में कोई गलती थी इसलिए मुझे 9 मिले हैं. ठीक है, अगर वो बिल्कुल परफेक्ट होता तो मुझे 10 मिलते. परफेक्ट कब होता वो? जब मैं बिल्कुल सही करती. जब आप 10 out of 10 मार्क्स लेती. ऐसा ही है, बिल्कुल सही. जब 100 out of 100 हो या 10 out of 10 हो तब ऐसी चीज को परफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सेंटेंसेस के अंदर अगर एक्शन 100% कंप्लीट हो जाए तो ऐसी सूरत के अंदर हम परफेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं. आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर. ठीक है, जब हमारा एक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब हम उस सेंटेंस को, उस एक्शन को परफेक्ट कहते हैं. और ऐसे ही हमारे परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर होता है. जस्ट लाइक हाउ कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, व्हेन आई एम 100% डन विद माय वर्क. ठीक है, जब मैं 100% कंप्लीट कर चुका हूँ अपना वर्क तो मैं उसको परफेक्ट सेंटेंस के अंदर कहूंगा, वरना मैं कंटिन्यूस में कहूंगा कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं काम मुकम्मल करने वाला हूँ. सो इन दिस केस when you are completed with your work, when your work is completely done, tab aap use karte hain perfect sentences ko. Okay, yes. Isme main cheez hoti hai action, aur wo action completed hota hai. Jab aapka action completed ho jaye to aap use karte hain perfect sentences ko, and this is what it makes it a perfect present perfect, past perfect, and future perfect. Okay. Yes. All right. So in past we use had. In present we use have and has. And in future, what do we use? Will have. Okay. So these are the helping verbs. Do you got it? Yes, sir. Okay. In tamam ke saath, in tamam helping verbs ke saath, we use third form of verb. थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इन सब के साथ, ठीक है. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए ना तो आप उसमें एक बात तो समझ लीजिएगा कि यहाँ एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता ही उसी जगह पर है जहाँ एक्शन कंप्लीट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर. सही है, इस बात को जरा जहन में रखिएगा अपने, कि जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए हमारे पास हम वहां पर लाजमी 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 एक्शन को कंप्लीट समझेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट. सो नाउ मेक सम सेंटेंसेस, दिस टाइम राइट इट इन योर कॉपी एंड देन टेल इट. ओके, आई एम गिविंग यू 5 minutes.
जी बेटा बना लिया आपने? क्या मीनिंग्स होते हैं? इट हैज बिन टेकन, ये आपने पैसिव में बना दिया सेंटेंस। आप डायरेक्ट बी बिन हटा दें, इट हैज ही हैज टेकन इट, ऐसे भी बन सकता है। इसके क्या मीनिंग्स होंगे? ही हैज टेकन इट, उसने ये मौसूल कर वो कर लिया है या कर चुका है। बेटा कंप्लीट हो गया आपके सेंटेंसेस? जी सो मैंने सिर्फ 4 बनाए हैं। चले ठीक है, आप बताएं। आई हैव डन माई वर्क, ही हैज टेकन इट, ही हैज डन हिज होमवर्क, आई हैव कंप्लीट माई शॉपिंग, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। माई शॉपिंग। ओके सो दैट्स राइट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप मुझे उसके आंसर करना, ठीक है? ओके। हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडीज? Yes, I have completed my studies. व्हाई यू आर स्टडिंग नाउ? Because it's my study time. सो इट मीन्स यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर स्टडी। Yes, I'm not completed my study. So, have you completed your 9th class? Yes, I have completed my 9th class. Have you got A grade in 8th class? Sorry. Have you got A grade in 9 in 8th class? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने 8th क्लास में ए ग्रेड लिया था? हैव यू गॉट Yes, I ए got ग्रेड? it. Yes, I got it. ओके ऑलराइट। हैव यू ईटन योर लंच? Yes, I eaten my lunch. नाउ मेक नाउ आस्क मी सम क्वेश्चंस। Okay. क्या पूछूं? से जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस करे इसी तरह से आप प्लीज को बनाए।
What are you doing at the time? Perfect के अंदर पूछना है अपना, ठीक है? जैसे have you eaten food, have you completed your studies, have you learnt driving bike, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन। Have you completed your homework? Yes, I have completed my domestic work. Have you done your breakfast? Yes, I have eaten. तो ब्रेकफास्ट में हम डन नहीं लगा सकते हैं? डन लगा सकते हैं। ओके। और ओके, सो नाउ इट्स क्लियर कि आपको ये चीज सेंटेंसेस दोनों जो हैं ये आपको क्लियर हो गए। बस अपने जहन में आपने हेल्पिंग वर्ब्स को रखना है और फिर इनको यूज करना होगा। ऑलराइट, अब मैं आपको एक होमवर्क दे के साइन ऑफ करूंगा, ठीक है? आपका होमवर्क सिंपल ये होगा दैट यू हैव टू मेक फाइव सेंटेंसेस ऑफ इंडेफिनिट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट। ओके, फाइव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फाइव पास्ट इंडेफिनिट, फाइव फ्यूचर इंडेफिनिट, लाइक दिस। ओके, दिस इज अ डिटेल्ड होमवर्क। ओके, सो दैट्स व्हाई आई वोंट टेक इट टुमारो, मैं कल नहीं आपसे मांगूंगा ये, ठीक है? आपने ये मुझे सबमिट करवाने हैं मंडे को, ठीक है? आप अपने ग्रुप में ये सेंटेंसेस जो है वो अपलोड कर दिएगा तो मैं वहां से चेक कर लूं, ठीक है? ओके। अपना होमवर्क आपको समझ में आ गया? यस सर। ऑलराइट, सो टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न परफेक्ट कंटीन्यूअस द यूसेज एंड द मीनिंग इंशाल्लाह। ओके ओके, so see you tomorrow inshallah. Till then take care of yourselves, do remember me in your prayer. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.